हाय गाइस, मैं शॉन। तो आप देख रहे टेक्निकल शॉन और स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा एमई वेट वेल का सिस्टम लॉन्चर पर कैसे आप आईएस का रिसेंट मेन्यू और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को एनेबल कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एमई वेट वेल का सिस्टम लॉन्चर में बहुत ज्यादा फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है, बट कुछ ऐसा फीचर्स है जो कि शायद आपका डिवाइस वाइज लॉक रहता है, मतलब कि आपको फ्लैगशिप डिवाइस में देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसा फीचर्स है जो कि शायद आपको देखने को मिल रहा है बट वो सब आपको ऑफिशियली देखने को नहीं मिलेगा। तो कैसे उसको आप अनेबल कर सकते हैं, इस वीडियो को अगर आप स्टार्ट से एंड तक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो अगर आपको ये ऐसा आईओएस का मतलब रिसेंट मेन्यू चाहिए तो कैसे इसको अनेबल कर सकते हैं, जो कि ये आपको ऑफिशियली कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको चाहिए तो कैसे इसको अनेबल कर सकते हैं, और आपको और एक इंटरेस्टिंग फीचर शो करने वाला हूँ जो कि ज़्यादा आपको ऑफिशियली कभी देखने को नहीं मिलेगा, वो आपका है ग्रिड या आपका होम स्क्रीन लेआउट, जो कि आपका 4x6 देखने को मिलता है, 4x7 देखने को मिलता है, बट इतना सारा आपको देखने को नहीं मिलता। तो उसको आप कैसे एनेबल कर सकते हैं ये भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो ऑब्वियसली ये आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉड है एमई वेट वेल का सिस्टम लॉन्चर का, जो कि इसका क्रेडिट जाता है इसका डिज़ाइनर को, जिसका कि आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और आप डायरेक्टली उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो आपको 7x9 का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ग्रिड का, पहले आपको 4x6 और 4x5 का ऑप्शन देखने को मिलता था। तो अगर आपको मैक्स ग्रिड में रखना है और अगर आपको मतलब एक ही होम पेज में सभी आइकन्स को रखना है तो 7x9 आपको वो काम कर सकता है। और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिल जाता है, जो कि ग्रिड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है उसका, मतलब कि आपको रिसेंट मेन्यू देखने को मिल जाता है और आपको होम स्क्रीन का जो है सर्च बार होम स्क्रीन वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको ये सभी अनेबल करना है फीचर्स को तो कैसे कर सकते हैं, स्टार्ट से एंड तक देखिए और हो सके तो वीडियो पसंद आता हो और ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टैप भी कर सकते हैं और फिर शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो आपको देख सकते हैं कि होम स्क्रीन में सर्च बार का ऑप्शन भी ऐड और मतलब रिमूव करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको ये भी करना तो ये भी कर सकते हैं। और एक मॉड है जिससे कि आप मतलब गूगल फीड को भी यूज़ कर सकते हो, तो अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो उस पर भी आप मतलब कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर भी आपको जल्दी वीडियो देखने को मिल जाएगा कल तक आराम से। तो आपको ऐसा कुछ फीचर दो देखने को मिल जाता जो कि ऑफिशियली आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा कि जैसे कि आपको मतलब इतना ज़्यादा ग्रिड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और अगर आपको आईएस का रिसेंट मेन्यू अनेबल करना है तो उसके लिए आपको अरेंज रिसेंट मेन्यू इन हॉरिजॉन्टल करना होगा। हॉरिजॉन्टली में आप जैसे कीजिएगा तो आपका ऐसा जो है लुक आपको देखने को मिल जाएगा आईएस का रिसेंट मेन्यू जैसा। तो ऑब्वियसली काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको फ़ोन में लुक देखने को मिल जाएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका जो है मतलब ओवरऑल यूआई है वो भी इंप्रूव हो जाएगा और स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि आपका एमई वेट वेल का सिस्टम लॉन्चर लॉक रहता है कुछ कुछ डिवाइसेस के लिए, मतलब कि पुराना डिवाइस के लिए बस के लिए फ्लैगशिप डिवाइस में 30 FPS से ऊपर आपका लॉन्चर जाता है, नहीं तो आपका जाता नहीं। तो उसके कारण आपका जो सिस्टम लॉन्चर वो लैग भी करता था। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपका फ़ोन रूटेड होना ज़रूरी है और मैजिक्स मैनेजर इंस्टॉल होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको मैजिक्स मैनेजर इंस्टॉल करने के बाद मतलब आपका इंस्टॉल होने के बाद आपको पता ही, ओपन करने के बाद आपको जाना होगा मॉड्यूल का सेक्शन में, फिर आपको इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज करना है और बस इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज करने के बाद आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वो ऐप पहले आप मतलब उसका जिप फाइल पहले डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप जिप फाइल को डाउनलोड कीजिएगा तो आपको डाउनलोड का मतलब आप जहाँ पे भी डाउनलोड करके सेव किए वहाँ पर जाकर ब्राउज करना है और फिर आपको देखने को मिल जाएगा अल्फा लॉन्चर मॉडल बाय सिप्लो और सिप्लो iOS ऐसे कुछ नाम है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो जाइए सिंपली आप सिप्लो मतलब ऑब्वियसली डिज़ाइनर या मतलब सॉरी डेवलपर उसको जाके थोड़ा प्यार दिखा दीजिए, क्योंकि ऐसा अच्छा काम करता है तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सपोर्ट चाहिए, तो जाके कर दीजिए थोड़ा बहुत। तो अगर आप देखिए तो इसमें आपको इंस्टॉल होने के बाद आपका रिबूट करना है और रिबूट करने के बाद आपका जो एमई वेट वेल का सिस्टम लॉन्चर है उसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाएगा, जितना भी आपको फीचर देखने को आपको मिला था। तो ये था कि एमई वेट वेल का सिस्टम लॉन्चर कैसे आप आईएस का रिसेंट मेन्यू और ग्रिड सिस्टम को अनेबल कर सकते हैं, लेआउट को एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो ऑब्वियसली ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको और ऐसा वीडियो चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और कौन सा मॉड पे आपको वीडियो चाहिए, और हो सके तो इस चैनल पे चल रहा रोड टू 40K जो कि साथ आप मेरे साथ रहिएगा, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो जाइए उसको कंप्लीट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं बोलता हूँ कल कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय।